से बात की थी कि बच्चों के खेलने के लिए जो मैदान है वो मैदान में अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। ठीक है, हेलीपैड की अगर शहर को जरूरत होगी इमरजेंसी के लिए तो वो होना चाहिए, मगर रामभाव म्हाळगे प्रबोधिनी में एक हेलीपैड है उसका उपयोग करें, तो उनका ऐसा कहना था कि वो बहुत ही धोखादायक हो गया और बड़े हेलीकॉप्टर जो है वहाँ पे उतर नहीं सकते। फिर उन्होंने जो सुभाष चंद्र बोस मैदान में सभी शिवसेना का भाजपा का सभी का विरोध होते देख उन्होंने इस चिमाजी अप्पा मैदान जो उत्तर में एकलौता मैदान है जहाँ पे बच्चे क्रिकेट तो खेलते हैं आसपास के गाँव के, मगर साथ ही में हमारे जो मछुआरे हैं वो मछलियाँ धूप में सुखाने के लिए भी इस मैदान का वापर करते हैं। नया डेवलपमेंट प्लान में ये चिमाजी अप्पा जो मैदान है वो मैदान करके ही रखा गया है। ये शासकीय ज़मीन है और ये शासकीय ज़मीन के ऊपर कुछ तो अतिक्रमण भविष्य में नहीं होना चाहिए, ऐसी गाँव वालों की इच्छा है। दो दिन पहले ही गाँव वालों ने कुछ वीडियो मेरे पास भेज दिए कि उस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे कोई हेलीपैड का काम करने हमारे जो तहसीलदार है उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को भेजा था, उसको सैंक्शन भी लिया था, मगर मैंने कल ही तहसीलदार से बात की, उनका ऐसा कहना था कि राज्य में हर जिले में कम से कम 7 से 8 हेलीपैड होने चाहिए, ऐसी शासन की भूमिका है। मैंने तुरंत राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब से विनती की कि उत्तन और आसपास के परिसर में एक ही मैदान है जो मैदान में बच्चे कई सालों से क्रिकेट खेलते हैं, दूसरे भी गेम्स यहाँ पे होते हैं, और साथ में हमारी जो बहनें हैं जो मछलियाँ बेचती है वो भी सुखाने का काम इस परिसर में करती है, तो यहाँ पे कुछ भी हेलीकॉप्टर या कुछ भी शासकीय काम होना गलत है। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहने के बाद उन्होंने कलेक्टर साहब को ऐसे आदेश दे दिए, अभी कलेक्टर साहब से मैंने बात किया कि हेलीपैड पूरा का पूरा कैंसिल किया जाए और ये हेलीपैड यहाँ पे करने के बजाय जो हमने डोंगरी में शासकीय ज़मीन MMRDA को दी है वो ज़मीन में अभी कारशेड हो रहा है मेट्रो का, तो कारशेड के बाजू में अगर बड़ा हेलीपैड भी हो जाएगा तो वो लोगों के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि किसी को तकलीफ नहीं है उसकी और वो काम अभी चल ही रहा है, तो उस काम के दौरान अगर कारशेड के बाजू में हेलीपैड करेंगे तो आसपास बिल्डिंगें भी नहीं रहेगी, कुछ स्ट्रक्चर भी नहीं रहेंगे, तो हेलीपैड उतरने को हेलीकॉप्टर उतरने को और साथ ही में उड़ने को भी कुछ भी कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि जो चीज़ें शासन ने सोची है वो भी होना चाहिए और लोगों को भी उसका तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो ये हमने इसमें से सॉल्यूशन निकाला जिसकी वजह से हमारे उत्तर और आसपास के परिसर के जो क्रिकेट खेलने वाले लड़के हैं, दूसरे खेल खेलने वाले लड़के हैं, हमारी जो मछलियाँ बेचने का काम करने वाली कोली बहनें हैं उनका भी जो मछली सुखाने का काम है उसको भी बाधा नहीं आएगी। तो जो राज्य शासन के ओर से इस परिसर का विधायक होने के नाते हमने विनती की और वो विनती माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय जिलाधिकारी जी और माननीय तहसीलदार जी, इन्होंने सब लोग ने मान्य कर ली और इस चिमाजी अप्पा मैदान में जो हेलीपैड होने वाला था वो रद्द कर दिया गया। इसके साथ साथ भविष्य में खाली ये आज की बात नहीं है, भविष्य में इस परिसर में कुछ भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आज हेलीकॉप्टर उतरने के लिए हेलीपैड और कल भविष्य में और कुछ होगा वो भी नहीं होना चाहिए, ऐसे मैंने मांग की। तो भविष्य में ये मैदान सिर्फ मछलियां सुखाने के लिए और बच्चों को क्रिकेट खेलने के लिए और दूसरे गेम खेलने के लिए दिया जाएगा, ताकि इस परिसर के जो भविष्य में अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स बनेंगे, मैंने सुना है इस परिसर के एक बहुत ही अच्छे क्रिकेटर है जो IPL जैसे खेल में उनका बहुत नाम है, तो क्रिकेट प्रेमी हमारे आगरीकुली लोग रहते हैं, तो इस परिसर में क्रिकेट के लिए ही वो मैदान का वापर होना चाहिए, ये मत से मैं हूँ। और मैंने जो राज्य शासन के प्रतिनिधि के रूप में आज उन्होंने मुझे एक निवेदन दिया, उस निवेदन के ऊपर ये शासन का निर्णय अंतिम हो गया। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।